ये बच्चे खेल रहे हैं, मैम और कबीर दोनों बाहर, इनको मैं जाने नहीं देती। मैंने कहा घर में खेलो, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो फिर हम सारे जो भी होते हैं वो कभी कोई औरत लड़ने के लिए आ जाती, कभी कोई औरत, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई चीज़ लिए, कि इंसान अपने आप पे कंट्रोल कर ले तो बच्चों को बाहर भेजी ना। तो एक इधर मसला बना हुआ कि दो तीन बच्चे अगवा हुए हुए हैं शहर में, तो वैसे ही डर लगता है, इसलिए इनको बाहर निकालती हूँ। तो क्योंकि बच्चे घर में रहें, मैं काम करूं या ठीक काफ़ी दिनों से आए, 3-4 दिन हुए तबीयत ठीक नहीं थी, बाहर निकलती नहीं होती, इसलिए चारपाई पे लेटी हुई थी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी उठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ बनानी होगी, उनको होमवर्क भी करवाना होता है, यूनिफॉर्म वगैरह भी, हर सारे काम होते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ अपने काम की तरफ, बच्चे मेरे खेल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ इनको इस तरह हंसते मुस्कराते रखे और आपस में सुलूको इत्तेफाक इनमें बना रहे, तीनों बच्चों में और माँ बाप के साथ भी। आमीन सुम आमीन। नहीं मम्मा ने खेलना, मम्मा ने अपना काम करना है, मम्मा को इतनी तबीयत नहीं मेरी ठीक। कल खीर बड़े शौक के साथ बनाई थी, तो लेकिन वो ख़राब हुई, दुकान से चावल लेके आए थे, उस चावलों से पतले चावल इतने कौड़े थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो दूध भी मैंने ज़ाया किया खुदा कर, और वो भी अब बाहर ही फेंकी खीर, ना बच्चों ने खाई है ना मैंने खाई है। तो अभी आज मेडिसिन वगैरह खाई है कोई और भी नहीं है, तो इसके बाद अभी कोई तबीयत बेहतर है, चाय वगैरह बना के 2-3 कप इकट्ठे पिए हैं, क्योंकि उठ के काम तो करना है, इंसान ठीक हो चाहे ना ठीक हो, घर में हो तो कोई है नहीं खाना बनाने के लिए, या कोई और भी सारे काम करके जितने भी होते करने के लिए। तो अभी मैं जो काम भी करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए आज पहले तो मौसम बादल आए हुए होते, काफ़ी झड़ वगैरह बना हुआ था, अब धूप निकली है, लेकिन हवा ठंडी ठंडी जा रही है, काफ़ी मज़े का मौसम बना हुआ है, तो इसलिए आज बच्चों की पसंद की कोई चीज़ बनानी है, क्योंकि बच्चे अगर इनकी पसंद की, अब जिस तरह बड़े हो रहे हैं, इनकी पसंद की चीज़ ना बने तो ये खाना शाना नहीं खाते, जाके कमरे में तीनों बैठ जाते हैं। वैसे इनको पहले ये कहता है ये बना लो वो बना लो, जब इनके एक ना खाए तो दूसरा जाके बैठ जाता है कि मामा जी मैंने ये चीज़ नहीं खानी मैंने। तो अभी किचन में हूँ, किचन के पास इधर चेयर पर बैठी हूँ, तो अभी मैं जो भी बनाती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, और चलते हैं और अपने बहन भाइयों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ, करती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किचन में मैं आ चुकी हूँ, आज मैंने जो चीज़ बनानी है वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ पहले शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मैंने जो मुर्गी की दाल काफ़ी देर की धो के रखी हुई थी, इसके ऊपर जो छिलके वगैरह से वो उतार लिए, अब धो के रख लिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अभी मैं इसे इधर रखती हूँ, और साथ में ये है लहसुन प्याज, ये भी लहसुन छील लिया, और टमाटर प्याज मैंने काट लिए छिलके, तो अभी और टमाटर मिर्ची अभी काटने वाली है, तो चूल्हा ऑन करती हूँ, साथ साथ ये काम भी हो जाएगा मेरा, और सारे काम इकट्ठी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये घी मैंने ऐड कर लिया, पहले घी अच्छी तरह गर्म कर लेती हूँ, ये बाल्टी सर पे कर लेती हूँ, दाल ऊपर से कवर उतनी देर करती हूँ, ये बच्चों ने जो चाबी वगैरह रोटियाँ रखी हुई थी ये ऊपर निकाल के रख दी हैं, और उतनी देर घी गर्म होते होते मैं प्याज काट लेती हूँ और टमाटर भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दो सब्जी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ये हल्का हल्की मिर्ची भी बिल्कुल हल्की खानी है, और मसाले मसाले बिल्कुल डालने नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा सा खाना खाना है काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि सबसे खुशी की बात ये है कि बच्चे आज मेरी दाल ये खुश होकर खा लेंगे, लेकिन ना डेली दालें खाई जाती हैं ना सब्जी खाई जाती है, तो बस बच्चे मेरे कहते हैं अगर दाल बन जाए तो अच्छी है, तो सब्जी इतनी खाते नहीं हैं,
सब्जी में भिंडी खाते, भिंडी अगर मैं पकाऊँ तो मेरा अपना मैदा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं कम लेती हूँ। एक मौसम भी भिंडी का जा रहा है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की गर्म हो चुका है। अभी इसमें ऐड करती हूँ मैं लहसुन प्याज। लहसुन प्याज मैंने ऐड कर दिया, अच्छी तरह इसकी फ्राई करती हूँ, इसकी भुनाई करते हैं, और साथ में डाल दूँगी ये टमाटर मिर्च, ये भी साथ ही नरम हो जाएगा अच्छी तरह। अब ये सारी चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई करते हैं। उतनी देर चाय वाले बर्तन और बच्चों के टिफिन वगैरह धोने वाले हैं, वो मैं धो लेती हूँ। और एक काम मैंने और भी करना है, साथ साथ मुझे सुरख फ्रिज में सब्ज़ी मिर्च लीजिए थी, सुरख हो चुकी है, तो मेरा दिल है सुखा के रखी हुई रोटी ये दुनिया अटार के दुनिया, तो इनको पीस लो। तो ये काम भी अभी मैंने करना है, बाद में करती हूँ। उतनी देर मैं साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। काफ़ी जगह तो बच्चे के कपड़े पड़े हैं प्रेस करने वाले, वो भी मैंने अभी करने हैं, क्योंकि सुबह फिर नमाज़ पढ़ते तराबी करते उठती हूँ, बच्चों को साथ जगाना होता है, बच्चे बड़े होंगे उनको नमाज रोज़ा साथ जगाना होता है, तो इसलिए काफ़ी देर हो जाती है, फिर जल्दी उठती हूँ। तो जिस दिन फैमिली ठीक हो फिर तो जल्दी उठ जाता है, अगर घर ठीक हो फिर भी उठना पड़ता है वहाँ पर, तो इसलिए वो भी सारे काम मैंने करने हैं। और अभी मुझे थोड़ा सा पानी साथ ही चाहिए, थोड़ी सा पानी ले लेती हूँ सिंक में। तो ये लहसुन प्याज और टमाटर में अच्छी तरह गर्म होगी, अच्छी तरह बनाई होगी, अभी मैं ऐड करती हूँ मसाले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हल्दी डबरे से ख़त्म हो चुकी, चलो आज का तो गर्म ज़रा चलेगा। बाकी बाद में डालूंगी, फिर हल्दी डाल दी है, अभी मैंने डाली है सुरख मिर्च का पाउडर, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। और अब डालना है जो तीन मसाले होते हैं, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। सफेद जीरा थोड़ा सा डाल दूंगी या धनिया, वो बाद में ऐड करूंगी। ये नमक भी मैंने डाल दिया, इसको मिक्स करके और थोड़ा सा ही थोड़ा सा पानी डालती हूँ, तो मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मसालों की भी अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाल मैंने डाल के अच्छी तरह बनाई कर ली है, पानी भी डाल दिया। तो अभी मैंने जब मोबाइल मेरा गर्म हो चुका था तो इसलिए फ्रिज में रखा हुआ था, अभी निकाला है। तो अभी जी बेटा मैं एक मिनट में आया, ऊपर सीटी लगा लाना, ये मामा बेटिया मेरी, इनको अभी लिखना नहीं आता, तो ये इसको बताना कि किस तरह लिखना है, मामा जी मुझे लिखना नहीं आ रहा। तो अभी ये दूध में अठा के इधर रख लो, क्योंकि कुकर की ये वाली सीटी जो है ये काम खराब कर देती है, काले बाहर आ जाती हैं, तो इसलिए अभी मैं मामा को होमवर्क करवा लूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करती हूँ। अभी मैं लगी हूँ बच्चों को होमवर्क करवाने, आगे इन्होंने होमवर्क किया अपनी मर्ज़ी के साथ, लेकिन मुझे नहीं बताया, तो अभी मैं करवाने लगी हूँ। मैंने एक दफ़ा सारा रेज़ किया है और दोबारा करवाने लगी। जे मामा बिटिया को ना ये लफ्ज़ लिखने नहीं आते, टीचर ने भी सही तरह लिख के नहीं दिए हुए, तो अभी मैं इसे खुद करवाती हूँ। और कबीर बेटा उधर, कबीर को लिखना आता है लेकिन मामा को अभी लिखना नहीं आता। इधर आओ मामा, हम ये इधर देखो, इधर से शुरू करना है, न घुट के ना पकड़। जे क्या लिखा है? ए नहीं, चे 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 चे। जे मामा को आगे दूसरी कापियां दी हुई थी, अब जे दुकान से इधर से वो दूसरी मिली नहीं, तो जे वाली दी है, मैंने कहा चलो लिखना भी इसको आ जाएगा। है ये किसने निकाली है? रेजर का क्या बनाया हुआ है? मेरे नहीं। किसकी है? बैग
चीर बैग अम्मा बेटा नोजी आई हुई नोजी साफ कर चले इस तरह सारा लिखोन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल मेरी तैयार हो चुकी है। ये सफ़ेद ज़ीरा और धनिया भी मैंने ऐड कर दिया। अभी इनको मिक्स करती हूँ और दाल ज़्यादा गाढ़ी नहीं की, थोड़ी सी नरम ही रखी है क्योंकि बच्चों के भी और मेरे भी नज़ला बुखार काम की वजह से गले भी ख़राब है और मुँह भी पक चुके हैं, तो इसलिए नरम नरम दाल के साथ रोटी खाना खा लेंगे। तो इसीलिए अभी रोटियां भी मैंने बना ली हैं, अभी बच्चों को बाहर लेके चलते हैं। जब दाल भी पक चुकी है, ये घी बिल्कुल मैंने थोड़ा कर दिया। अब एक तो महंगा ज़्यादा हो गया है, दूसरा बिल्कुल मैदा ज़्यादा ख़राब होता है, फिर इसलिए ऊपर घी कम ही हो तो फिर अच्छे से खा सकते हैं। तो अभी ये दाल तैयार हो चुकी है, रोटियां मैंने बना के इधर रख ली हैं। जो सालन डालने के लिए, दाल डालने के लिए कौलियाँ, ये मग और दूसरा भी उधर से बर्तन निकाल लेती हूँ, टोकरी से धो के रखे हुए हैं सारे, तो फिर जाके खाना खाती है। ये चारपाइयों की हालत मेरे बच्चों ने क्या बना के रखी हुई, बैग किधर पड़ा, ये बेबी कार्ड किधर, ये दस्ता किधर, ये देखो ये बच्चों ने कमरे की कितनी साफ़ सफाई की हुई है। ऊपर पंखा चल रहा है, लाइटें भी ऑन है और इधर कमरे में बैठ के समीर यूनिफॉर्म की बेटा क्यों नहीं आता रही, यूनिफॉर्म उतारो अपनी जी बेटा, पक गया है, बाहर इधर आओ, इधर बैठ के खाना खाओ, चलो आओ सारे बैठ के खाते हैं। ये पंखा ही बंद करो, लाइटें बंद करो, जल्दी आ जाओ दोनों बहर माई बार। Mom?
रोटी देना मंजी देना नीचे ना गिरायो आलू पकड़ो नीचे बंदे चाट को मनवाया था मम्मी मैं थले बैठ के खा लो चल थले बैठ के खा लिए तो चलो शक्ल करो फिर ये खाने तो हम मजे ले लेकर खाते रहेंगे आज दाल है बच्चे काफी माशाल्लाह खुश हैं वीडियो के एंड में इतनी करती हूँ। यह हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।